महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान अल्मोड़ा के सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ राज्यपाल का जोरदार स्वागत किया। वहीं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है कि मुझे महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया है और आज उनको महाराष्ट्र के लोग बहुत बड़ा सम्मान देते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से उत्तराखंड का पर्यटन का क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है और बहुत जल्द तीर्थटन और पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया जाएगा। ये मेरा सौभाग्य है, आप सब लोगों के प्यार के वजह से, उत्तराखंड के जनता के स्नेह की वजह से मुझे प्रधानमंत्री जी का विश्वास प्राप्त हुआ और उनके विश्वास और स्नेह के कारण से मैं आज इस शिखर से सागर के एक बहुत बड़े प्रदेश महाराष्ट्र का राज्यपाल हूँ और इस सब का श्रेय मैं प्रधानमंत्री जी को तो देता हूँ पर उससे अधिक आप सब लोग को स्नेह प्यार को देता हूँ। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में स्नेह मिल रहा है और प्यार मिल रहा है उसके वजह से महाराष्ट्र का उत्तराखंड में पर्यटन तीर्थाटन और उद्योग के क्षेत्र में उनका यहाँ पर जो है योगदान मिलेगा उसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। और वहाँ के लोगों की पहाड़ के प्रति रुचि बढ़ी है और उनको पहली बार लगता है ये जो यहाँ का राज्यपाल है ये कोई पहाड़ी नहीं ये मराठी है ऐसा उनको लगता है। ये सब आपके प्यार की वजह से, धन्यवाद। बता दें कि अल्मोड़ा भ्रमण के बीच राज्यपाल शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में शिक्षकों से मुलाकात भी करेंगे। उसके बाद शाम को ही भगत सिंह कोश्यारी देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।